वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबरें लेकर आया हूं मैं, जिसमें आपके लिए कई सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगे, जिनमें पहला बड़ा अपडेट होगा आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। पहला बड़ा अपडेट मैं देने वाला हूँ जो कि होगा आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए 53% महंगाई भत्ते के साथ में। क्या डीए और डीआर शून्य होने जा रहा है? क्या सातवें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा किया गया था? दूसरी बड़ी खबर दूंगा मैं जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, जो फाइनली अपडेट्स थी वो फिक्स हो चुका है, यानी जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अब फिक्स कर दिया गया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े फाइनली अब जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद में एक और बड़ी खबर जो होगी वो आठवें वेतन आयोग को लेकर की होगी, साथ ही साथ राज्यसभा से जो सरकार का बयान आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट्स होंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएगा। आपको जल्दी से एक अपडेट दे दूं, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के रिगार्डिंग उनके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिगार्डिंग सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन समझाए जाते हैं, साथ ही साथ उनको गाइडेंस दी जाती है। अगर आपको आपके पेंशनरी बेनिफिट्स रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही देख पाएंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये खबर आई है डीए हाइक को लेकर के, क्या 53% अब महंगाई भत्ता होगा उसके बाद क्या, या 50% होने के बाद में क्या महंगाई भत्ता होने के बाद में क्या आपका डीए या डीआर शुरू से मर्ज होगा, क्या सारी चीजें होंगी उस पर हम बात करेंगे। जनवरी 2024 से जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका डीए और डीआर 50% हो चुका है, इसके बाद इसे शून्य से जीरो करने की चर्चा थी। हालांकि ये चर्चा इसलिए थी क्योंकि सातवें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा उस टाइम बोल सक वहां पर ऐसे मीडिया में खबरें आई थी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें जो है डिसाइड कर सकती हैं। इंतजार है अगस्त के मंथ का, क्योंकि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते के बाद जो 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है उसमें सातवें वेतन आयोग को उसमें कई सारी चीजों में अपडेट किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के डी और डीआर में जनवरी 2024 में 50% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। अब डी और डीआर जैसे 50% हो गया है, तो पहले ये नियम थे कि डी और डीआर की जैसे इंटरेस्ट रेट है या बोलते हैं डी और डीआर की दर है 50% के पार होते ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन मान और भत्तों में बदलाव होता है। ऐसे में सरकार और आठवें वेतन आयोग की कमेटी की घोषणा करती है या कोई और नियम से सैलरी और पेंशन का संशोधन करती है तो कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा राहत की खबर होगी। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे अपडेट्स आएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि आठवें वेतन आयोग से रिलेटेड कई सारी चीजों पर बात हो रही है, जिसमें पेंशन और सैलरी में संशोधन को लेकर के या रिवाइज रिविजन को लेकर के उसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे कि आठवां वेतन आयोग के क्या नियम हो सकता है। अब कॉन्टेक्स्ट में भी सामने देख पा रहे होंगे आठवें वेतन आयोग का कब से कितना इंतजार करना पड़ेगा। आठवें वेतन आयोग पर राज्यसभा से जो गवर्नमेंट का बयान आया था वो हम देखेंगे, साथ ही साथ वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी का भी बयान आया था वो भी हम देखेंगे। डीए 50% होने पर क्या ऑटोमेटिक पे रिविजन होगा वो भी हम देखेंगे, साथ ही साथ आठवें वेतन आयोग में क्या फॉर्मूला हो सकता है उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे जिसमें आठवें वेतन आयोग का मुद्दा कई सारी चीजों पर होगा। आठवें वेतन आयोग पर सबसे पहले देख सकते कि राज्यसभा से क्या सरकार का बयान आया था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो भी आपको उसमें दिखाएंगे। संसद के पिछले सत्र के दौरान आठवें वेतन आयोग को गठन को लेकर के वित्त मंत्री से सवाल पूछा था और पूछा गया था कि सरकार द्वारा क्या सातवें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं, आठवें वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं की जा रहा है। साथ ही साथ पेंशन और वेतन की समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर, 10 साल का इंतजार लंबा इंतजार कराए बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही साथ क्या सरकार आठवां वेतन आयोग पर आने पर सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा आएगा उसे वहन करने में क्या चीज दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ एक तरफ सरकार ने अर्थव्यवस्था बोला है कि अब अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग को गठन करने में देरी क्यों कर रहा है। वित्त मंत्रालय से जो वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी, उन्होंने इस पर बयान दिया कि वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के पास अभी आठवें वेतन आयोग को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, साथ ही साथ सरकार के पास आठवें वेतन आयोग का लाने का विचार जो है नहीं है। लेकिन जो ये खबरें थी वो पहले थी, अब जो है बहुत सारी चीजों पर इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि
कई सारी चीजों पर ऐसा होगा जिसके चलते डी और डी आर में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ आठवें वेतन आयोग का रिलेटेड कई सारी चीजें इसमें हो सकती है। बात करते हैं डीए 50% होने पर ऑटोमेटिक पे रिविजन भी हो सकता है। यह दोस्तों जैसे ही डीए 50% का आंकड़ा छुएगा या जैसे कि छू चुका है, कर्मचारी और पेंशन धारकों के भत्तों में बढ़ोतरी किया जाना है। ऐसे में अब डीए 50% हो चुका है तो कैबिनेट ने इसकी भी घोषणा हो चुकी है। अब समय आ गया है कि सैलरी और पेंशन संशोधन होना चाहिए, आठवें वेतन आयोग के तुरंत कमेटी का गठन होगा। साथ ही साथ अब बात करें कि आठवें वेतन आयोग पर क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो उसके लिए हम रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर सकते हैं। अगर सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता जीरो से स्टार्ट हो सकती है, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 या बोल सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो अभी के 2.57 है उसे 3 तक किया जा सकता है। इसके हिसाब से आपकी बेसिक कम से कम 18,000 रुपए से बढ़ करके 26,000 रुपए तक हो सकती है। इस प्रकार आपकी बेसिक में 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बेसिक के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा या महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनके एचआरए का भुगतान किया जाएगा और इसके अलावा नई बेसिक बन जाएंगे, नए स्लॉट्स आ जाएंगे, इससे आपकी सैलरी और पेंशन में काफी सारा देखने को मिल सकता है। सामने आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन राज्यसभा में पूछा गया था आठवें वेतन आयोग से रिलेटेड, इसमें आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें सातवें वेतन आयोग के बाद में आठवें वेतन आयोग की चीजें बात की गई थी, जिसमें सरकार ने बोला था कि सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर कोई विचार नहीं है। साथ ही साथ आठवें वेतन आयोग के लिए करके अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ये चीजें लेकिन पहले की है, नोटिफिकेशन भी पहले का है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर अब बात करते हैं जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के, उसके लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अब पब्लिश कर दिया गया है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अब फाइनली उसको पब्लिश कर दिया गया है और पब्लिश होने के बाद में उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप सामने नोटिफिकेशन देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो की तरफ से ये 5 तारीख को पब्लिश किया गया था, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जून 2024 जारी कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितना आपको मिलेगा वो कंफर्म कर दिया गया है। इसमें हम बात करें कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जून 2024 इंक्रीज्ड बाय 1.5 पॉइंट एंड स्टार्टेड 141.4। इसके अलावा इन्फ्लेशन में भी कई सारी चीजों में चेंजेस हुई हैं, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। अब हम बात करें जो डेटा निकल कर आया उसको ऑफिशियल डीए कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे, जिससे हमें क्लियरली सारी चीजें हो जाएंगी कि आपको जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यहाँ पर मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई साथ ही साथ जून का भी डेटा हम अब दिखाएंगे, जिस हिसाब से यहाँ पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में अभी तक बढ़ोतरी हो रही थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी में जो डेटा आया था उसके बेसिस पर आपका इतना प्रतिशत महंगाई भत्ता था। अब बात करते हैं लास्ट का जो डेटा निकल कर आया है, वो डेटा निकल कर आया आप सामने देख सकते हैं जून 2024 में बढ़ोतरी होने के बाद में 141.4 और इसके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53.36% है, जिसके जो कि 53% आपका हो गया है। यानी कि अब आपके महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 53% हो गया है। ऐसे करने से आपको 3% बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये बढ़ोतरी थोड़ी कम है क्योंकि अभी प्रीवियस जो इंस्टॉलमेंट्स थी डीए और डीआर की उसमें 4% तक बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब 3% की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कंफर्म हो चुकी है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि 3% की बढ़ोतरी क्या सफिशियंट है कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए या फैमिली पेंशनर्स के, या फिर उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होनी थी। साथ ही साथ अगर आपको आपके आठवें वेतन आयोग से रिलेटेड कोई अगर आपके डिस्कशन है कोई सुझाव है तो वो भी दीजिएगा। साथ ही साथ डीए और डीआर की मर्जिंग की जो बात चल रही है उस पर भी हम आपको अपडेट दिलाकर देते रहेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसे न्यूज इन्फॉर्मेशन